हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, राइट? और आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस तो आप लोगों ने अगले स्टैंडर्ड में सीखा ही है, पर यहाँ पर हम स्टैंडर्ड 6 में फ्रैक्शंस के बारे में और जानेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। तो चलो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। सुभाष हैड लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस इन क्लासेस 4 और 5। सुभाष ने क्लास 4 और 5 में फ्रैक्शंस के बारे में सीखा ही है। सो वेन एवर पॉसिबल ही वुड ट्राई टू यूज फ्रैक्शंस। तो जब भी पॉसिबल होता है वो फ्रैक्शन को यूज करने की ट्राई करता है। वन ओकेजन वॉज वेन ही फॉरगेट हिज लंच एट होम। और एक बार एक ओकेजन था कि तब जब उसके घर पे लंच था और तब ये भूल गया था। हिज फ्रेंड कोमल इनवाइटेड हिम टू शेयर हर लंच। तो उसकी फ्रेंड कोमल ने क्या किया, उसे अपना लंच शेयर करने के लिए बुलाया। शी हैड 5 पूरीज इन हर लंच बॉक्स। कोमल के पास उसके लंच बॉक्स में 5 पूरीज थी। सो सुभाष एंड कोमल टूक 2 पूरीज ईच। तो दोनों ने 2 पूरीज ले ली। Then Komal made 2 equal halves of the 5th puri and gave 1 half to Subhas and took the other half herself. 2 puris तो उसने ले ली, right? पर 5 puris थी, उसमें से 4 उसने ले ली, तो एक बची। तो कोमल ने क्या किया कि जो एक पूरी बची थी उसका इक्वली पार्ट 2 parts किए, उसमें से एक सुभाष को दिया और एक अपने के लिए रखा। Thus, both Subhas and Komal had 2 full puris and 1 half puri. तो दोनों के पास कितनी पूरी थी? 2 full puris थी और 1 half puri थी। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर उसके लंच बॉक्सेस है उसमें, और यहाँ पर भी लिखा है सुभाष के पास 2 puris and 1/2 puri थी, कोमल के पास भी 2 puris and 1/2 puri थी। Where do you come across situations with fractions in your life? आप लोग के जो लाइफ में जो सिचुएशंस आती है तो आप लोग कैसे फ्रैक्शंस का यूज करोगे? सुभाष न्यू दैट 1/2 इज रिटन एज 1/2। सुभाष को ये पता चला कि 1/2 को कैसे लिखते हैं, 1/2। व्हाइल ईटिंग ही फर्दर डिवाइडेड हिज हाफ पूरी इनटू 2 equal parts एंड आस्क्ड कोमल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल पूरी वाज दैट पीस। जब भी उसने उसकी हाफ पूरी कंप्लीट कर ली तो सुभाष ने कोमल को पूछा कि उसका फ्रैक्शन कौन सा था। विदाउट आंसरिंग कोमल आल्सो डिवाइडेड हर पोर्शन ऑफ द हाफ पूरी इनटू 2 equal parts एंड केप्ट देम बिसाइड सुभाष सेस। और आंसर दिए ही बिना ही कोमल के पास जो हाफ पूरी थी उसे भी उसने जो हाफ पूरी थी उसमें भी उसने हाफ पार्ट किया और सुभाष के साथ शेयर किया। She said that these 4 equal parts together make 1 whole. तो कोमल ने क्या बोला कि ऐसे 4 equal parts साथ होंगे तो पूरी एक है वो पूरी बनेगी। So each equal part is 1/4 of 1 whole puri and 4 parts together will be 4/4 or 1 whole puri. तो उसने क्या बोला कि हर एक पार्ट है पूरी का, हर एक पार्ट है वो 1/4 है, मतलब कि 1/4, और पूरी जो होल पूरी है वो 4 equal parts से बनी हुई है, उसे कैसे लिख सकते हैं, 4/4 या तो 1 whole puri, राइट? देन व्हेन दे एट दे डिस्कस्ड व्हाट दे हैड लर्नड अर्लियर। और जब भी वो खा रहे थे तब वो डिस्कस कर रहे थे कि आगे उसने क्या क्या सीखा है। 3 parts out of 4 equal parts is 3/4, और 4 में से 3 equal parts होंगे तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 3/4। सिमिलरली 3/7 इज ऑब्टेंड व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू 7 equal parts एंड टेक 3 parts। और 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं कि टोटल 7 parts में हम 3 parts से वो यूज करते हैं। 4/1/8 We divide a whole into 8 equal parts and take 1 part out of it. और 1/8 का यूज कैसे होता कि 8 equal parts में से 1 का हम यूज करते हैं। Then Komal said that we have learnt that a fraction is a number presenting part of a whole. तो कोमल ने क्या बोला कि हमने ये सीखा ही है कि फ्रैक्शन क्या है, हमें नंबर दिखाता है किसका, ऑफ ए होल, मतलब कि जो पूरी फिगर होती है, कोई भी पूरा शेप होता है उसका कोई पार्ट दिखाता है तो उसे हम
फ्रिक्शन बोल सकते हैं। द वॉल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वॉल मतलब कि जो पूरा शेप होता है या तो पूरी फिगर होती है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है या तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट का ग्रुप भी हो सकता है। सुभाष ऑब्जर्व्ड दैट द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। सुभाष ने ऑब्जर्व किया कि पार्ट्स उसके इक्वल होने चाहिए। देन अवर टॉपिक इज ए फ्रैक्शन, उसमें क्या बोला है। लेट अस रिकैपिटुलेट द डिस्कशन, हम डिस्कशन को फिर रिपीट करते हैं कि क्या हमने बोला है। ए फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ऑफ अ रीजन। फ्रैक्शन क्या है, ग्रुप का कोई भी पार्ट या तो रीजन का कोई एक पार्ट। 5/12 इज ए फ्रैक्शन, ये हमें दिखाई दे रहा है राइट, 5/12 इज फ्रैक्शन है। वी रीड इट एज 5/12, हम उसे कैसे रीड करते हैं, 5/12 राइट। व्हाट डज 12 स्टैंड फॉर, और उसमें 12 कहां पर उसकी पोजीशन क्या है। इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द होल हैज बीन डिवाइडेड, मतलब कि 12 है कि जो पूरा शेप है वो टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो हमें 12 दिखाता है। व्हाट डज 5 स्टैंड फॉर, 5 हमें क्या दिखाता है। इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हिच हैव बीन टेकन आउट, वो हमें दिखाता है कि टोटल 12 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स से वो हमने यूज किए हुए हैं। हियर 5 इज कॉल्ड अ न्यूमरेटर एंड 12 इज कॉल्ड अ डिनोमिनेटर। यहाँ पर 5 है इसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे और 12 को डिनोमिनेटर, मतलब कि जो ऊपर होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। नेम द न्यूमरेटर ऑफ 3/7 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ 4/15, तो ये आप सब लोग कर ही सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज प्ले दिस गेम, आपको गेम खेलनी है, ये आप गेम है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या तो आपकी फैमिली के साथ खेल सकते हो, तो ये आपको घर पे चौकस ट्राई करनी है। देन नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज नंबर 7.1, तो एक्सरसाइज नंबर 7 है वो हम नोटबुक में देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, जो भी पोर्शन है वो शेडेड किया गया है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो फर्स्ट वन फिगर में क्या है, देखो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, टोटल इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 4 एंड शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 2, सो द फ्रैक्शन इज 2/4। हमें जो टोटल पार्ट्स दिए गए हैं वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है और शेडेड पार्ट्स है वो न्यूमरेटर में लिखना है, तो बन गया हमारा फ्रैक्शन। तो ऐसे ही आप लोगों को 2 से लेकर 10 तक दिए गए हैं और वो मैंने आप लोगों को नोटबुक में काउंट करके दिए हैं, तो वो आपको नोटबुक में से काउंट करके देख लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, आप लोगों को जो फ्रैक्शन दिया गया है उसके हिसाब से आप लोगों को कलर करना है। फर्स्ट वन फिगर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसमें हमें कौन से पार्ट में कलर करने के लिए बोला है, 1/6, तो 6 है वो तो हमें शेप के इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं राइट, उसमें से हमें 1 का यूज करना है, मतलब कि हमें 1 को कलर करना है। तो आप लोग ये वाले फिगर में कहीं पर भी मतलब कि कोई भी 1 पार्ट में कलर कर सकते हो, कोई भी 1 पार्ट में फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ही करना है, कहीं पर भी आप 1 पार्ट है उसमें कलर कर सकते हो। तो ऐसे ही आप लोग 2, 3, 4 एंड 5 में भी कर सकते हो, तो ये वाला आपको नोटबुक में से देखकर कलर कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, उसमें आप लोगों को कुछ शेप्स दिए गए हैं और उसमें शेडेड पोर्शन भी दिया गया है और वो इक्वल पार्ट्स है कि नहीं वो आपको देखना है। तो फर्स्ट वन फिगर आप लोगों को ट्राइंगल दिया गया है, उसमें देखो क्या है, देखो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। द फ्रैक्शन 1/2 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स राइट। द फिगर इज डिवाइडेड इंटू 2 अन इक्वल पार्ट्स, फिगर है वो हमें 2 अन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। सो द शेडेड पार्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/2, तो हमें जो शेडेड पार्ट दिया गया है वो हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं दिया है, तो शेडेड पार्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/2, ये 1/2 फ्रैक्शन नहीं दिखाता है।
देन सेकंड वन शेप रेक्टेंगल है, उसमें 4 पार्ट्स किए गए हैं और उसमें भी हमें एरर दिख रही है, तो हम कैसे लिखेंगे? द फ्रैक्शन 1/4 मींस 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, सो द शेडेड पार्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/4, हमें 4 इक्वल पार्ट्स करके नहीं दिए हैं, तो ये फ्रैक्शन है वो हमें 1/4 फ्रैक्शन नहीं दिखाता है। देन थर्ड वन है वो सर्कल दिया गया है और उसमें 3/4 दिया गया है, तो ये 3/4 पार्ट है, नो ये भी 3/4 पार्ट है वो नहीं दिखाता है। सो द फ्रैक्शन 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, द फिगर इज डिवाइडेड इंटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, सो द 3 शेडेड पार्ट्स डू नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/4, क्योंकि उसमें इक्वली पार्ट है वो डिवाइड नहीं किया गया है इसीलिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, डे में 8 आवर्स है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? देखो ए डे हैज 24 आवर्स, सो 8 आवर्स इज 8/24 और 1/3 ऑफ अ डे, क्योंकि हम 24 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका डिवीजन करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 आंसर मिलेगा, तो यहाँ पर हम 1/3 लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? एन आवर हैज 60 मिनट्स, सो 40 मिनट्स इज 40/60, तो इसका हम डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2/3 ऑफ एन आवर, तो इसका भी आंसर हमें मिल गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोला है? आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, इन तीनों ने लंच शेयर किया। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जाम, द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, इज हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो चलो देखते हैं उसका सॉल्यूशन। Arya can make 3 equal parts of each sandwich and each boy can have 1 of the 3 parts of each sandwich. Arya है वो हर एक sandwich के 3 equal parts बनाएगी और boys को 1-1 part है वो उसका देगी, तो उसके equal parts सबको मिल जाएंगे। Yes, then question number B is what part of a sandwich will each boy receive? कौन सा part है वो हर एक boy को मिलेगा? Each boy will receive 1/3 of a sandwich. Then question number 7 is Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? Kanchan ne kitne dresses hai wo complete kar liye hai, to chalo dekhte hain. Kanchan has finished dyeing 20 out of 30 dresses, right? Finished dresses is equal to 20. Total dresses is equal to 30. So the fraction of the dresses she finished is equal to 20/30. तो इसका हम division करेंगे, मतलब कि 0-0 को cut कर देंगे, तो answer मिलेगा हमें 2/3. So she has finished dyeing 2/3 of the total dresses. Then question number 8 is write the natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime numbers? और उसमें से prime numbers से उसका fraction क्या होगा? तो पहले तो हम natural numbers लिखते हैं. The natural numbers 2 to 12 are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Out of these 2, 3, 5, 7 and 11 are the 5 prime numbers. प्राइम नंबर्स तो हमें इतने ही मिलते हैं, राइट? सो 5/11 ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। टोटल 11 में से 5 ऐसे नंबर है कि जो प्राइम नंबर्स है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? तो पहले क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। There are 12 natural numbers from 102 to 113 are 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 and 113. Out of these, 103, 107, 109 and 113 are the four prime numbers. So, 4 by 12 of the natural numbers from 102 to 113 are prime numbers. Then question number 10 is, what fraction of these circles have x in them? हमें circles दिए गए हैं, 8 circles और उसमें crosses हमें दिए गए हैं, तो वो कितने part में है वो हमें देखना है. Total number of circles is equal to 8. Number of circles having cross in them are 4. So the fractions of the circles having cross in them is equal to 4 by 8. क्योंकि total 8 में से 4 में cross किया गया है. Then question number 11 is, Christine received a CD player for her birthday. Christine को CD player है, वो उसके birthday में मिला. She bought 3 CDs and received 5 others as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? तो चलो देखते हैं. Total number of CDs with Christine is equal to 8. Number of CDs she bought is equal to 3. So the fraction of the total CDs which she bought is equal to 3 by 8. उसने कितनी खरीदी है? Total 3 खरीदी है. उसके पास total 8 है. तो उसमें से 3 by 8 है. वो उसका fraction होगा. And the number of CDs she received as gift is equal to 5. उसके gift में उसे कितनी मिली है? 5. So the fraction of the total CDs which she received as gift is equal to 5 by 8. Then next one topic is fraction on the number line. Number line पर fraction देखते हैं. You have learned to show whole numbers like 0, 1, 2 on a number line. आप लोगों ने सीखा ही है कि हम whole numbers को number line पर कैसे present करते हैं. Right? We can also show fractions on a number line. हम लोग fractions को भी number line पर show कर सकते हैं. Let us draw a number line and try to mark 1 by 2 on it. चलो हम नंबर लाइन पर 1 by 2 है उसे मार्क करने की ट्राई करते हैं. We know that 1 by 2 is greater than 0 and less than 1. हमें ये पता है कि 1 by 2 है वो 0 से ज्यादा है और 1 से less than है. So it should be lie between 0 and 1. तो वो 0 and 1 के बीच में ही आना चाहिए. Since we have to show 1 by 2, we divide the gap between 0 and 1 into 2 equal parts and show 1 part as 1 by 2. हमें 1 by 2 दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? 0 and 1 के बीच में equal 2 parts करेंगे और बीच में जहां पर भी आएगा, उसे हम क्या करेंगे? 1 by 2 से mark करेंगे. तो चलो देखते हैं. Look here, यहाँ पर हमें number line दी गई है, 0 and 1 दिए गए है, तो इन दोनों के middle में ही कौन सा number आएगा? 1 by 2, तो यहाँ पर middle में ही हमने 1 by 2 को mark किया गया है, right? Suppose we want to show 1 by 3 on a number line, into how many equal parts should the length between 0 and 1 be divided? We divide the length between 0 and 1 into 3 equal parts and show 1 part as 1 by 3. अगर हमें 1 by 3 number line पर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? 0 and 1 के बीच में क्या करेंगे? 3 equal parts बनाएंगे, right? देखो यहाँ पर 0 and 1 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 3 equal parts दिए गए हैं. तो उसमें से हमने एक part को यहाँ पर mark किया है और यहाँ पर 1 by 3 दिखाया है. तो ये तो बहुत ही easy है. The next one is, can we show 2 by 3 on this number line? 2 by 3 means 2 parts out of 3 parts as shown. 2 by 3 means क्या होता है? 2 parts of 3 parts total, right? तो क्या करेंगे? 0 to 1 पहले तो हमने यहाँ पर mark किए हैं और 0 से 1 के बीच में हमने 3 equal parts बनाए हैं और हर एक को हमने क्या किया है? 2 by 3 parts में divide किया है. तो यहाँ पर 1 by 3 है, यहाँ पर 2 by 3 और यहाँ पर 3 by 3 है. तो यहाँ पर हमने 2 by 3 को यहाँ पर mark किया गया है, right? और यहाँ पर 1 है, वो 3 by 3 है,
थ्री बाई थ्री मतलब कि वन हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ये मार्क किया गया है। सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3 एंड 3/3 ऑन दिस नंबर लाइन। और ऐसे ही आप लोग 0/3 एंड 3/3 कैसे दिखा सकते हो। 0/3 इज द पॉइंट 0 वेयर एज सिंस 3/3 इज वन होल। 0/3 मतलब कि 0 होता है तो वो तो हमें 0 मिलता ही है एंड 3/3 इज वन। 3/3 मतलब कि 1 होता है। इट कैन बी शोन बाय द पॉइंट 1 और वो पॉइंट 1 से हम दिखा सकते हैं मतलब कि जहां पर हम 1 मार्क करते हैं। सो इफ वी हैव टू शो 3/7 ऑन अ नंबर लाइन देन इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स शुड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 बी डिवाइडेड। और अगर हमें 3/7 यहाँ पर नंबर लाइन पर दिखाना है तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 0 एंड 1 को। इफ पी शोज 3/7 देन हाउ मेनी इक्वल डिविजन्स लाई बिटवीन 0 एंड पी। वेयर डू 0/7 एंड 7/7 लाई। तो ये आप लोगों को सोचना है कि ये हाँ नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करेंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं वो देखते हैं। यू हैव नाउ लर्न्ड हाउ टू लोकेट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। आप लोगों ने अभी एक तो देख लिया कि हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर कैसे रखते हैं। लोकेट द फ्रैक्शंस 3/4, 1/4, 9/10, 0/3 एंड 5/8 ऑन सेपरेट नंबर लाइंस। इन सभी को आपको नंबर लाइंस पर अरेंज करने की ट्राई करनी है। डज एनी वन ऑफ द फ्रैक्शंस लाई बियॉन्ड 1। इसमें से कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है कि जो 1 के ऊपर लाई होता है। All these fractions lie to the left of 1 as they are less than 1. No, वो 1 के ऊपर कोई भी नहीं आते क्योंकि ये सभी fractions है वो 1 से less है मतलब कि उससे छोटे है तो 1 के ऊपर नहीं आते हैं। In fact, all the fractions we have learned so far are less than 1. हमें ऐसे तो कई सारे ऐसे fractions मिल सकते हैं कि जो 1 से less than है। These are proper fractions. तो इसे क्या बोलते हैं proper fractions. A proper fractions, as Komal said, is a number representing part of a whole. Proper fraction है वो कोमल बोलती है कि proper fraction किसे बोलते हैं कि वो पूरा जो whole part होता है उसका जो part है वो दिखाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं proper fraction बोलते हैं। In a proper fraction, the denominator shows the number of parts into which the whole is divided and the numerator shows the number of parts which have been considered. और proper fraction में क्या होता है कि denominator है वो total parts दिखाता है और numerator है वो क्या दिखाता है कि उसमें से कितने parts का use किया है। Therefore, in a proper fraction, the numerator is always less than the denominator. तो proper fraction में क्या होता है कि numerator होता है वो denominator से less than होता है मतलब कि जो numerator में होता है वो छोटा होता है और denominator होता है वो बड़ा होता है bigger होता है right? Then यहाँ पर आपको try this exercise दी गई है ये आपको try करनी है। Then next one is improper and mixed fractions. Improper fraction किसे बोलते हैं and mixed fractions किसे तो बोलते हैं। अनाग, रवि, रेशमा एंड जॉन शेयर्ड देयर टिफिन। ये सभी ने अपना टिफिन है वो शेयर किया। अलोंग विद देयर फूड दे हैड आल्सो ब्रॉट 5 एप्पल्स। और वो लोग अपने फूड के साथ 5 एप्पल्स भी लाए थे। After eating the other food, the four friends wanted to eat apples. और खाने के बाद उसमें से 4 friends ऐसे थे कि जिसे apples चाहिए थे। How can they share 5 apples among 4 of them? और वो लोग 5 apples को 4 के बीच में कैसे share करते हैं? Anagh said, Let each of us have 1 full apple and a quarter of the 5th apple. उसने क्या बोला कि हम लोग पहले तो एक एक एप्पल है वो ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि क्वार्टर ऑफ फिफ्थ मतलब कि वो जो 5 एप्पल में से जो एक था उसका हम क्वार्टर है वो ले लेते हैं। तो अनक के पास कितना आया
एक पूरा एप्पल और एक छोटा सा टुकड़ा, देन हर एक के पास ऐसे फोर पूरे पूरे एप्पल्स आए और उसके फोर टुकड़े आए। रेशमा सेड, दैट इज फाइन, बट वी कैन ऑल्सो डिवाइड ईच ऑफ द फाइव एप्पल्स इंटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड टेक वन क्वार्टर फ्रॉम ईच एप्पल। तो फिर रेशमा ने क्या बोला कि हम ये भी कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं कि फाइव एप्पल्स है उसे हम इक्वल पार्ट्स में काटते हैं और फिर उसमें से हम वन क्वार्टर पार्ट है वो उससे ले लेते हैं। तो उसके हिसाब से ये ऐसे डिवाइड करते। सो रवि सेड, इन बोथ द वेज ऑफ शेयरिंग ईच ऑफ अस वुड गेट द सेम शेयर, इट मीन्स फाइव क्वार्टर्स, सिंस फोर क्वार्टर्स मेक वन होल, वी कैन ऑल्सो से दैट ईच ऑफ अस वुड गेट अ वन होल एंड वन क्वार्टर। तो रवि ने बोला कि इन दोनों ने जो भी बोला वो सही ही है और दोनों का आंसर सेम ही है। कि पहले तो अनक ने क्या बोला कि हम पूरा एक एक एप्पल ले लेते हैं और फिर क्वार्टर पार्ट लेते हैं, और फिर रेशमा ने भी क्या बोला कि हाँ जो फाइव एप्पल्स है उसके हम क्वार्टर पार्ट्स करते हैं और उसमें से जो भी पार्ट्स हमारे भाग में आता है वो ले लेते हैं, राइट। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 4, और उसकी वैल्यू क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय 4, इट इज रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं। जॉन सेड, यस द सेम एज 5 बाय 4, यस इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बाय 4। रेशमा एडेड दैट इन 5 बाय 4 द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, और इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बिगर होता है। द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर है वो बिगर होता है और डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर होता है। थस फ्रैक्शंस लाइक 3/2, 12/7, 18/5 आर ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स है। राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 7। आप लोगों को क्या करना है कि जिसके डिनोमिनेटर में 7 हो ऐसे 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाने हैं जिसमें आप कोई भी 7 से बिगर नंबर है वो ले सकते हो न्यूमरेटर में। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाने हैं और विथ न्यूमरेटर 11, और न्यूमरेटर आपको इसमें 11 रखना है और डिनोमिनेटर को चेंज करना है और ऐसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाने हैं 5। Then Ravi reminded John. रवि ने जॉन को याद करवाया, what is the other way of writing the share? और हम शेयर करने के बारे में उसे दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? Does it follow from Anak's way of dividing 5 apples? जो अनक ने बोला उसके हिसाब से हम 5 apples को डिवाइड करते हैं उसे लिख सकते हैं। John nodded, yes, it indeed follows from अनक्स वे। जॉन ने बोला यस हम अनक्स के तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। इन हर वे इच शेयर इज वन होल एंड वन क्वार्टर, उसके हिसाब से क्या होगा कि वन पूरा मिलेगा एप्पल और वन क्वार्टर और 1/4 मिलेगा। इट इज 1+1/4 एंड रिटन इन शॉर्ट एज 1/1/4। रिमेंबर 1/1/4 इज द सेम एज 5/4, और इसे हम क्या बोल सकते हैं 5/4 भी बोल सकते हैं, राइट। ये आप लोगों ने अगले स्टैंडर्ड में देखा ही है कि हम यहाँ पर यह मिक्स्ड फ्रैक्शंस को यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कंपेयर करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। देन रिकॉल द पूरीज ईटन बाय कोमल, और जो कोमल ने पूरीज खाई थी वो उसे याद करते हैं। शी गॉट 2.5 पूरीज, उसे कितनी पूरी मिली थी 2.5, मतलब कि 2 कंप्लीट और दूसरी थी वो हाफ मिली थी। दिस इज 1, दिस इज 2.5, और ये 2 पूरी कंप्लीट होल मिली और ये थे वो आधी मिली, मतलब कि 1, 2 एंड ये हाफ। तो ये उसकी फिगर हो गई। हाउ मनी शेडेड हाफ्स आर देर इन 2.5, देर आर 5 शेडेड हाफ्स, इसमें कितने पार्ट्स है वो शेडेड किए गए हैं, सभी पार्ट्स है मतलब कि 5 पार्ट्स है वो शेडेड किए गए हैं। सो द फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/2, तो फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/2, 2.5 इज द सेम एज 5/2, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 को कि 5/2,
देन यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिया गया है डू यू नो, ये आप लोगों को जानने के लिए ही है सिर्फ, तो ये आप लोगों को रीड कर लेना है। देन फ्रिक्शंस सच एज 1/4 एंड 2/2 आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रिक्शंस। मिक्स्ड फ्रिक्शंस इसे बोलते हैं जो हमने आगे देखा ही है। अ मिक्स्ड फ्रिक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वॉल एंड ए पार्ट। मिक्स्ड फ्रिक्शन है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वॉल एंड पार्ट दोनों का। वेयर डू यू कम अक्रॉस मिक्स्ड फ्रिक्शंस, गिव सम एग्जांपल्स। आप लोगों को मिक्स्ड फ्रिक्शंस है वो कहाँ पर मिलते हैं, आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देने हैं। देन यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रिक्शंस। आप लोगों को यहाँ पर जो दिए गए हैं फ्रिक्शन उसे मिक्स्ड फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो ए वाला बोला है 17/4, तो इसे हम क्या करेंगे, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, और 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर आएगा हमें 1। इट मींस 4 वॉल एंड 1/4 मोर और 4 1/4, राइट। ये आपको पता चला कि कैसे लिखा हमने यहाँ पर, ये वाला जो 1 है वो हमें यहाँ पर ऊपर लिखना है, राइट, मतलब कि 1/4 हुआ, एंड देन 4 एंड 4, तो इसे हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 4 1/4। देन बी वाला है 11/3, तो हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो 11 - 9 = 2, तो इसे हम 2/3 बोल सकते हैं, लकी 3 वॉल एंड 2/3 और मोर 3 एंड 2/3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको सी एंड डी भी दिए गए हैं, तो ये आप अपने आप तरीके से कर सकते हो। देन एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे दिए गए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ए इज 2 3/4, तो इसे हम कैसे करेंगे, 2 + 3/4 = 2 2 × 4/4 + 3/4 = 11/4, ऐसे कर सकते हैं, राइट। और इसे हमें यहाँ पर जो क्या दिया गया है कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, वॉल डिनोमिनेटर मतलब कि जो पूरा डिनोमिनेटर हमें दिया गया है 4 × वॉल, मतलब कि जो पूरा दिया गया है वो 2 × 4 किए यहाँ पर हमने, राइट, एंड प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम उसमें ऐड करेंगे, मतलब कि 4 × 2 + 3, एंड डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर से, तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट, 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11, 11/4, तो ये मिल गया हमारा आंसर। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है वो याद रखना है, इससे हम इजी तरीके से इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो बी एंड सी वाला है वो आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। देन एक्सरसाइज नंबर 7.2 दी गई है, वो हम नोटबुक में देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। आप लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप लोगों को उस पर मार्क करने हैं। उसमें ए वाला है 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4, राइट। तो पहले हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की गई है, उसमें 0 से लेकर 1 तक नंबर लिखे हैं। उसमें यहाँ पर हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, यहाँ पर 1/4 लिखे हैं, यहाँ पर 2/4, ये 2/4 है इसे हम 1/2 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 1/4 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, देन 3/4 एंड 4/4, तो ये हमने यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिए हैं। लुक हियर, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस 1/4, 2/4 और 1/2, 3/4 एंड 4/4 और 1 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे ही आप लोगों को बी एंड सी दिया गया है, तो वो आप लोग मैंने नोटबुक में जो एक्सप्लेन किए गए हैं उससे आप लोग कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। नीचे जो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले हमें 20/3 दिया गया है, तो 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 2।
तो 20/3 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर जो आंसर मिला है वो हम यहाँ पर मतलब कि पूरा होल पार्ट हमें मिला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, देन रिमाइंडर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। राइट, आपको समझ में आया? जो यहाँ पर हमें आंसर मिला वो हम होल पार्ट में लिखेंगे, रिमाइंडर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में, और जिससे हम डिवाइड करते हैं मतलब कि 3 उसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को बी से लेकर एफ तक है वो करना है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और आप लोग इसे आगे के स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसमें ए वाला दिया गया है 7 3/4, तो इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पर जो होल पार्ट है और डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 × 4, एंड उसके साथ ऐड करेंगे हम 3 को +3, देन डिवाइड बाय 4। ये तो हम डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रखेंगे, 7 × 4 = 28 +3 इज इक्वल टू 31 होंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 31/4। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। तो ऐसे ही आप लोगों को बी से लेकर एफ है इसमें भी, तो ये आपको नोटबुक में कंप्लीट कर लेने की, जो बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं? लुक एट ऑल दिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर हमें फिगर दिखाई दे रही है, उसमें आपको देखना है। देखो यहाँ पर 3 हमें रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, वो सेम साइज के ही है, पर उसमें जो पार्ट्स किए गए हैं और उसमें जो शेडेड पोर्शन है वो हमें सेम ही दिख रहा है। राइट, यहाँ पर 2 पार्ट्स किए हैं, यहाँ पर 4 किए हैं और यहाँ पर 6 किए हैं, पर जो शेडेड पोर्शन है वो तो हमें सेम ही दिख रहा है। दीज फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6 रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स टेकन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। कि जो हमने यहाँ पर पार्ट्स को डिवाइड किया है उसमें से शेडेड पोर्शन है उसके फ्रैक्शंस दिए गए हैं। इफ वी प्लेस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ओवर द अदर दे आर फाउंड टू बी इक्वल, डू यू एग्री? इसे हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमें ये सेम ही दिखेगा। आप लोग एग्री हो? यस, क्योंकि हमें जो शेडेड पोर्शन है वो तो सेम ही दिख रहा है, सिर्फ उसके पार्ट्स है वो डिफरेंट तरीके से किए गए हैं। राइट, देन यहाँ पर आपको ट्राई दिस एक्सरसाइज दी गई, उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, ये आप लोगों को करने की ट्राई करनी है। दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। थिंक ऑफ 3 मोर फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू द अबोव फ्रैक्शंस। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कुछ ऐसे फ्रैक्शंस को फाइंड करना है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो, मतलब कि उसके पार्ट्स डिफरेंट किए गए हो पर उसका शेडेड पोर्शन है, मतलब कि उसका मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन करे तो हमें आंसर सेम ही मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया गया है अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं उसको समझते हैं। 1/2, 2/4, 3/6 ऐसे ऐसे करके हम 36/72 तक पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर आंसर तो सेम ही मिलेगा। राइट, क्योंकि 36 × 2 = 72, तो ये हमें लास्ट में तो 1/2 ही मिलेगा। सो दिस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल। ये सभी है वो पूरा पार्ट है उसका हमें सेम पार्ट ही दिखाते हैं। देन थिंक, डिस्कस एंड राइट Why do the equivalent fractions represent the same part of a whole? ऐसा क्यों होता है कि equivalent fraction है वो same part है whole का दिखाते हैं? How can we obtain one from the other? ये हम कैसे बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ से? देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 1/2 is equal to 2/4। ये कैसे किया? हमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से भी 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 1/1 × 2 तो 2/4 मिल गया। सिमिलरली हम 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और 2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3/6 मिलेगा, एंड 1/2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4/8। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हमें पता चल गया। यस, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर।
आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम के साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो मिल जाएगा। रजनी सेज दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3 आर, उसने क्या किया कि 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड किए। 1/3 इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/6 मिला, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/9 मिला, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/12 मिला एंड मैनी मोर। जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर है वो मिलते जाएंगे। डू यू एग्री विथ हर एक्सप्लेन, आप लोग उसके साथ एग्री हो? यस, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसे उसने सबको एक नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई किया है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर आपको ट्राइजिस एक्सरसाइज दी गई है जिसमें भी आपको क्या करने की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है वो फाइंड करने हैं, तो ये तो आप लोग कर ही सकते हो। देन अनदर वे, इज देर एनी अदर वे टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई दूसरा वे है कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे दिखा सकते हैं? लुक एट फिगर 7.11, यहाँ पर हमें फिगर दी गई है। देखो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है उसमें कुछ ट्राइंगल्स है, यहाँ पर भी हमें रेक्टेंगल दिया गया है उसमें कुछ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, राइट। देखो यहाँ पर पार्ट्स नहीं किए गए हैं रेक्टेंगल के, पर यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स करके दिए हैं और यहाँ पर ट्राइंगल्स है वो भी दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, 4/6 इज शेडेड हियर, यहाँ इसमें टोटल में से 4/6 है वो शेड करके दिए है और यहाँ पर क्या है 2/3 इज शेडेड, यहाँ पर जो 3 पार्ट्स किए गए हैं उसमें से 2 पार्ट है वो शेडेड करके दिया गया है, राइट। तो ये हुआ ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, राइट। दिस इंक्लूड इक्वल नंबर ऑफ शेडेड थिंग्स, इट मीन्स 4/6 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 6 डिवाइड बाई 2। हम डिवीजन करेंगे तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो मिल सकता है। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मे डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, हम डिवीजन से भी जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर उसे सेम नंबर के साथ डिवीजन करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल सकता है। वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/15 इज 12/3 एंड 15/3 इज इक्वल टू 4/5। Then, can you find an equivalent fraction of 9/15 having denominator 5? आप लोग 9/15 का ऐसा फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो कि जिसका डिनोमिनेटर 5 हो? Yes, क्योंकि हम इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसा आंसर मिल जाएगा, राइट। देन एग्जाम्पल नंबर आपको 3 दिया गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6, जिसमें न्यूमरेटर 6 हो ऐसा आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। वी नो 2/3 मतलब कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6, दिस मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3 टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हैंस 2/5 इज इक्वल टू 2 × 3, 5 × 3 इज इक्वल टू 6/15, सो 6/15 इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैन यू शो दिस पिक्चरली, आप लोग इसे पिक्चर के साथ दिखा सकते हो, आप लोगों को ट्राई करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विथ डिनोमिनेटर 7, आप लोगों को ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है कि जिसमें डिनोमिनेटर है वो 7 हो। देखो यहाँ पर क्या करना है, वी ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर एंड फाइंड 35/5 इज इक्वल टू 7, 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर सेम मिलता है। We therefore divide both the numerator and the denominator of 15/35 by 5. तो हम दोनों को 5 से divide करेंगे. Thus 15/35 is equal to 15/5. 35/5 is equal to 3/7. The next one is an interesting fact. कुछ interesting चीज दी गई है. Let us now note an interesting fact about equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो जानते हैं। फॉर दिस कंप्लीट द गिवन टेबल, उसके लिए आप लोगों को ये टेबल है वो फिलअप करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 रोज हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड फॉर यू, और फर्स्ट 2 रो है वो आप लोगों के लिए कंप्लीट करके दी है। देखो यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स दी गई है,
यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड, और क्या पे है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ सेकंड एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट, आर द प्रोडक्ट इक्वल, उसके प्रोडक्ट सेम होते हैं, यहाँ पर येस और नो लिखना है। यहाँ पर हमें 1/3 एंड 3/9 दिया गया है। देखो फिर क्या करना है, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है 1/9, तो इसे मल्टीप्लाई किया 1/9 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमें 9 मिला। तो अगर हमें ये दोनों आंसर है वो सेम मिलते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स है वो हमें सेम मिलेंगे, तो यहाँ पर येस लिखना है, और अगर सेम नहीं मिलते हैं तो नो लिखना है। राइट, यहाँ पर सेकंड में भी ऐसा ही है, 4/5 इक्वल टू 28/35, तो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 140 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 28 इज ऑल्सो 140, तो यहाँ पर हमें आंसर सेम मिला, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है वो इक्वल आएंगे, सो येस। और ऐसे ही आप लोगों को दूसरे दिए गए हैं उसके मल्टीप्लीकेशन कर से आप लोगों को यहाँ पर येस और नो है उसका आंसर लिखना है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट, तो ये आप लोगों को एक बार रिफर कर लेना है। द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 5, तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विथ डिनोमिनेटर 63। आपको डिनोमिनेटर 63 मिलना चाहिए, राइट, तो इसमें क्या किया कि 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमें 63 मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली 14, राइट, तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा 14/63। नेक्स्ट वन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्म, गिवन द फ्रैक्शन 36/54, लेट अस ट्राई टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव टू कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। चलो हम ऐसी ट्राई करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो मिलते हैं हमें उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पास ऐसे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं हो, उसकी ट्राई करते हैं। हाउ डू वी डू इट, वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। वी सी दैट बोथ 36 एंड 54 आर डिविजिबल बाय 2, हमें पता है कि 36 एंड 54 है, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, तो आंसर मिलेगा हमें 18 और डिवाइड बाय 27। But 18 and 27 also have common factors other than 1. पर 18 and 27 के पास तो ऐसे दूसरे भी ऐसे numbers है कि जो common है. The common factors are 1, 3, 9 and the highest is 9. और हमें पता है कि 1, 3 and 9 है उसके common factors है और highest factor कौन सा है? 9 है. Therefore 18 डिवाइड बाई 27 और उससे हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/3। नाउ 2 एंड 3 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, तो 2 एंड 3 है उन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। वी से दैट द फ्रैक्शन 2/3 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2/3 है उसे सिंपल फॉर्म में है, राइट, उसमें हम पहले फैक्टर में कैसे करते थे कि जब तक 1 नहीं आता उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता तब तक हम उसके फैक्टर फाइंड करते रहते हैं, उसमें भी आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जब भी उसका कॉमन फैक्टर हमें 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलता तब तक हमें उसके फैक्टर से वो फाइंड करते जाना है, उसके डिवाइड करते जाना है, राइट, तो हमें उसका सिंपल फॉर्म है वो मिल जाएगा। ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म If its numerator and denominator have no common factor except 1, ये हमने जो सीखा वो ही है कि अगर 1 के अलावा जब तक ये जो उसके common factors नहीं मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं simplest उसका form बोलते हैं, the shortest way, यहाँ पर shortest way दिया गया है। और आप लोगों को यहाँ पर एक game दी गई है, ये game आपको अपने friends के साथ खेलनी है, और यहाँ पर shortest way क्या बोला है, द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू द फाइंड HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय HCF, राइट, इसमें क्या करना है कि पहले आप लोगों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करना है, जो हमने आगे सीखा ही है कैसे फाइंड करते हैं, राइट,
और HCF फाइंड कर लिया है, फिर दोनों को हमें HCF से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमें HCF से डिवाइड करना है, तो हमें उसका सिंपल फॉर्म है वो मिल जाएगा। कंसीडर 36/24, 36 एंड 24 है उसका HCF, क्या होता है 12, देयरफॉर 36/24 इज इक्वल टू, हमने दोनों को 12 से डिवाइड किया है तो हमें आंसर मिला 3/2, द फ्रैक्शन 3/2 इज इन द लोएस्ट फॉर्म, तो अभी यह हमें सिंपल फॉर्म में मिल गया। थस HCF हेल्प्स अस टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, हमें HCF है वो जो फ्रैक्शन है उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर आपको ट्राई दिस एक्सरसाइज दी गई है जो आपको ट्राई करनी है, और एक्सरसाइज नंबर 7.3 है वो हमें दी गई है, तो वो हम नोटबुक में देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, पहले तो सभी फिगर्स दी गए उसके फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर वो इक्विवेलेंट है कि नहीं उसे फाइंड करना है। ए वाला देखते हैं, चलो द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन द फिगर्स 1, 2, 3 and 4 आर 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 रिस्पेक्टिवली, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। देन 2/4 को हम क्या करेंगे, इसके हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें आंसर मिलेगा 1/2। सेम एज हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें 1/2 मिलेगा। सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि हमें सभी के आंसर्स 1/2 मिले हैं, तो ये फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है वो हम बोल सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको बी वाली फिगर दी गई है, उसमें जो आपको शेडेड पोर्शन दिया गया है और टोटल फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको ये जो नंबर है उसे डिवाइड करना है और आपको फाइंड करना है कि ये सभी आंसर है वो सेम आता है कि नहीं, अगर सेम नहीं आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। मैंने नोटबुक में आपको कन्वर्ट करके दिया ही है, पर आपको एक बार ट्राई कर लेनी है और नहीं आता है तो नोटबुक में से देखकर देख लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप लोगों को पेयर बनानी है, तो फर्स्ट वन फिगर आपको ए वाली कौन सी दी गई है, 2 में से 1 पार्ट है वो कलर करके दिया गया है, शेड करके दिया है, तो उसके साथ कौन सा मैच आएगा, सेकंड वाला जो हमें उसमें कितने पार्ट्स करके दिए हैं, 8 में से 4 पार्ट्स है वो कलर करके दिए हैं, तो उसके साथ सेकंड वाला मैच आएगा, राइट, क्योंकि वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उसकी हमें फिगर दिखाई दे रही है। देन बी वाला है, उसके साथ फोर्थ वाला है वो मैच आएगा, देन सी वाले के साथ फर्स्ट वाला है वो मैच आएगा, डी वाले के साथ फिफ्थ वाला, ई वाले के साथ थर्ड वाली जो फिगर है वो मैच आएगी। तो ऐसे ही मैंने आपको ये मैच करके दिया है और आपको भी ये देख लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज रिप्लेस, हमें बॉक्स दिया गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर, उसमें जो बॉक्स है उसमें फाइंड करना है आंसर जो दिया है वो बॉक्स पर, तो ए वाला है आपको 2/7 एंड सामने आपको 8 दिए गए है, राइट, तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, तो हमें डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 28, तो बॉक्स में आंसर आएगा 28। तो ऐसे ही आप लोगों को जो डी वाला दिया गया है उसमें क्या करना है, डिवीजन करना है, क्योंकि हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 15, और 60 को भी हमें 3 से डिवाइड करना है तो आंसर मिलेगा हमें 20, तो बॉक्स में आएगा 20। तो ऐसे आप लोगों को बाकी बचे हैं बी सी एंड ई, उसमें देख लेना है कि मल्टीप्लीकेशन आता है या तो डिवीजन, वो करके आपको बॉक्स में जो वैल्यू आती है वो फाइंड करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग ए इज डिनोमिनेटर 20, जिसके पास 20 डिनोमिनेटर हो, ऐसा हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखो 3/5 इक्वल टू, इस दोनों को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर 20 आंसर मिल जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 12/20। बी वाले में बोला है न्यूमरेटर 9, कि जिसमें न्यूमरेटर 9 मिलना चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, तो हम डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 15, तो इसका फ्रैक्शन होगा 9/15। सी इज डिनोमिनेटर 30,
डिनोमिनेटर 30 मिलता हो ऐसा हमें फाइंड करना है। तो हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 30 मिलेगा। सो हम न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18। तो हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 18/30। डी इज न्यूमरेटर 27, न्यूमरेटर हमें 27 मिलना चाहिए तो 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 27 मिल जाएगा। इन 5 को भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा 27/45। तो ये हमें उसका फोर्थ वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4। ए वाला है उसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर 9 फाइंड करना है तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 12। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा 9/12। और बी में बोला है कि हमें डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए वो इक्विवेलेंट है कि नहीं वो फाइंड करना है। द गिवन फ्रैक्शंस आर 5/9 एंड 30/54। फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है जो हमने आगे देखा है। 5 × 54 इज इक्वल टू 270 एंड 30 × 9 इज इक्वल टू 270। हैंस द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सो 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट सेम नहीं आते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को बी एंड सी है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उससे आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए इज 48/60, हैंस द गिवन फ्रैक्शन इज 48/60। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू, यहाँ पर उसके प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पर 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। और देन कॉमन प्राइम फैक्टर्स है वो हमें फाइंड करने की जो हमें 2, 2 एंड 3 मिलेंगे। इट मीन्स HCF ऑफ 48 एंड 60 इज 12। हमें HCF कितना मिला, 12। तो हम 12 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 48/12 एंड 60/12, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4/5। तो हमें इसका सिंपल फॉर्म मिल गया, राइट। तो ऐसे आप लोगों को बी सी डी एंड ई जो दिए गए हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज रमेश हैड 20 पेंसिल, सीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 मंथ रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। व्हाट फ्रैक्शंस डिड ईच यूज अप, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एंड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल्स। तो चलो देखते हैं। आउट ऑफ 20 पेंसिल्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, रमेश ने 20 में से 10 यूज की, तो क्या होगा 10/20 ऑफ हिज पेंसिल्स। देन आउट ऑफ 50 पेंसिल्स शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स, सो शीलू यूज्ड अप 25 आउट ऑफ 50 ऑफ हर पेंसिल्स। देन आउट ऑफ 80 पेंसिल्स जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स, सो जमाल यूज्ड अप 40 आउट ऑफ 80 ऑफ हिज पेंसिल्स, राइट। सो 10/20, 25/50 एंड 40/80 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एज द वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 1/2। हर एक की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी, राइट। तो ये सभी है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। दिस मीन्स दे यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल्स, इसका मतलब कि उन लोगों ने इक्वल फ्रैक्शन में उसके पेंसिल्स है उसे यूज किया है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द फॉलोइंग, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसे नंबर के साथ मैच करना है, राइट। फर्स्ट वाला है 250/400, तो उसके साथ कौन सा मैच आएगा, डी वाला 5/8। उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डी आंसर मिल जाएगा। देन सेकंड वन इज 180/200, तो उसके साथ ई वाला मैच आएगा 9/10, उसका भी सिंपल फॉर्म हमें मिल गया। थर्ड वन इज 660/990, तो उसका सिंपल फॉर्म हमें मिलेगा ए वाला कि जो 2/3 है, राइट। देन
फोर्थ वन इज 180 डिवाइड बाय 360, उसका आंसर मिलेगा हमें सी 1/2। एंड फिफ्थ वन इज 220 डिवाइड बाय 550, इसका आंसर मिलेगा हमें बी विच इज 2/5। तो यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 7.3 है वो कंप्लीट होती है।